जनपद बहराइच में रंग बिरंगे पक्षियों को देख चहक उठे छात्र। तिजवापुर विकास खंड अंतर्गत मैला तालाब के किनारे अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस एवं बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महसी विधायक सुरेश्वर सिंह उपस्थित रहे, जलीय व वन्य जीवों के संरक्षण की अपील की। मैला तालाब में मौजूद रंग बिरंगे पक्षियों को देख छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। विधायक ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के प्रतिभागी छात्र अभय प्रताप सिंह, राजवीर, कन्हैयालाल, आशीष तिवारी, मोहम्मद मोनिस, रिजवान अंसारी, मुन्नीपाल, तरन्नुम, तपस्सुम, आराध्य सिंह, उमा मिश्रा समेत अन्य छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए। इस मौके पर उप प्रभागीय वन्य अधिकारी नानपारा प्रेम सागर त्रिपाठी, रेंजर कैसरगंज आरपी चौधरी, डिप्टी रेंजर दीपक सिंह, जहरीद्दीन खान, अमित वर्मा, लालचंद यादव, प्रताप सिंह राणा समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आइए देखते हैं बहराइच ब्यूरो चीफ अब्दुल कादिर की खास रिपोर्ट। वन विभाग लगाने जा रहा है, जैसा कि अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि कोई भी योजना केवल सरकारी योजना मान करके आप रह जाएं तो सफल नहीं हो सकती। हमको आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर हम जन्मदिन मनाते हैं तो हमें एक पौधा लगा दें, हमारे घर बच्चा पैदा होता है तो हम एक पौधा लगा दें, हम मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं तो एक पौधा लगा दें। जब तक इस तरह का संकल्प नहीं होगा, हम शादी करते हैं चाहे बच्चे की चाहे बच्ची की तो एक पौधा लगा दें, हम कोई नया काम करने जा रहे हैं तो एक पौधा लगा दें। जब तक सारा समाज इसके लिए जागरूक होकर खड़ा नहीं होगा, तब तक हम सरकारी योजनाओं के बल पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक समाज की सहभागिता नहीं होगी। हम लोग भाग्यशाली हैं कि 15% वन हमारे इस जनपद में है। आप बलिया चले जाइए, बलिया में 3% 2% वो भी सामाजिक वानिकी ने जो काम किया है तब 2% 3% हुआ है, और कम से कम 33% वन आपका होना चाहिए तब पर्यावरण आपके अनुकूल होगा। लेकिन हम पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, पुरानी बागों को काटते चले जा रहे हैं। हम लिख करके तो दे देते हैं कि एक पेड़ के बदले हम 10 पेड़ लगाएंगे, लेकिन हमको आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला कि एक पेड़ काटा हो और 10 पेड़ उसने लगाया हो। आज हम अभी हमारे कुशवाहा जी कह रहे थे।